Assalamu alaikum dear students. So today we will start present perfect tense. Present perfect tense passive voice mein jo present perfect tense unka passive voice kaise banta hai. So dear students, isse pehle maine present indefinite ke teenu tarah ke sentence, teenu type ke sentence, for example present indefinite ke affirmative sentence, negative sentences and present indefinite ke interrogative sentence ka passive banaya tha, aur unka structure kaise kya hota hai to wo humne explain kiya tha. Uske baad humne present continuous tense ke affirmative, negative and interrogative sentence explain kiye the, unka structure kya hai aur unme kaun sa rule hum use karte hai. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो उसमें इस तरह जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो उनका पैसिव वॉइस किस तरह बन जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमें पता होना चाहिए जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उनमें से जो सेंटेंस होती है कि उनकी जो आइडेंटिटी, उनकी जो पहचान होती है वो कैसे की जाती है. फॉर एग्जांपल, वो जा चुका है, वो जा चुके हैं, चुका, चुके, चुकी हैं, तो उनकी उर्दू का जो है उनकी जो पहचान है ये यही है. तो अब हम आ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, उनका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. जो उनका एक्टिव वॉइस हैं उनका पहले सब्जेक्ट, जिस तरह हमने इससे पहले चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, उनका पहले सब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट, यहाँ हैज़ और हैव इज़ यूज्ड. हैज़ और हैव का यूज़ होता है और मेन वर्ब थी. इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको मैं कंपेयर इसलिए उनके साथ करता कि आपको अच्छे से समझ में आएगा. इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज़ किया है, और प्रेजेंट इनडेफिनिट में भी हमने फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो परफेक्ट मीन्स ये परफेक्ट है, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो यूज इन एक्टिव वॉइस में भी इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें इस्तेमाल होता है. इससे पहले सिर्फ एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड, और तो आपको पता ही होगा पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है, लेकिन ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें एक्टिव वॉइस में भी ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है. तो इसमें इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़, एम और आर का यूज़ किया है, लेकिन जो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें एक्टिव वॉइस में हैज़ और हैव का यूज़ होता है, हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है. और पैसिव वॉइस में आपको पता ही होगा जब हम किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते उसको हम उसका जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो हम सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, वो हम सब्जेक्ट की जगह, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, मींस कि ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे काम करता है. उसके बाद हैज़ या हैव प्लस बीन का इस्तेमाल, इससे पहले हमने बीन नहीं, अलबत्त प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने बींग का इस्तेमाल, बींग और बीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसमें हमने बींग का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बीन का यूज़ किया है. प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाय प्लस सब्जेक्ट. अब आपको विद एग्जांपल के ज़रिए आपको मतलब अंडरस्टैंड होगा कि किस तरह इसका जो रूल है, किस तरह इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा. आप देखो, परवीना हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क. परवीना हैज़, क्योंकि सिंगुलर हैं परवीना, तो हैव का इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ करते हैं. परवीना हैज़ कम्प्लीटेड, इससे पहले हमने फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे है परफेक्ट टेंस तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड. द वर्क, अब देखो, द वर्क हैज़ बीन, स्ट्रक्चर के हिसाब से द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड. द वर्क इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाई परवीना. इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ संग ए सॉन्ग, शी हैज़ संग ए सॉन्ग, तो उसका इसी तरह जो इसमें एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो उसको हमने पैसिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट की जगह लाया और उसके सब्जेक्ट की तरह काम करता है. अब देखो, ए सॉन्ग हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर है ये तो हैज़ आएगा, ए सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर, इसका पैसिव वॉइस बन गया. तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस टेंस में यूज़ होता है. ये टेंसेज में भी अच्छी तरह इस तरह यूज़ होता है, हैज़ और हैव का इस्तेमाल, और
लेकिन यहाँ में फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. इससे पहले हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज इन एक्टिव वॉइस. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव तो आपको पता ही है, जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है. अब स्ट्रक्चर तो सेम ही है, लेकिन सिर्फ इसमें इनकार, मतलब सेंटेंस में इनकार जहाँ पर भी हो वहाँ पर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं. एक्टिव वॉइस क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव, हैज़ ऑब्लिक हैव, उनमें से एक ही सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, प्लस नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो पैसिव वॉइस किस तरह बन जाएगा? यही सेम रूल, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह लाया और हैज़ और हैव नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसी तरह जब एक्टिव वॉइस, हम यही एग्जांपल है जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जांपल लिखी थी, यही एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा एक्टिव वॉइस किस तरह. शी हैज़ नॉट, नॉट का यूज, शी हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग, शी हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग. जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ए सॉन्ग हैज़ नॉट बीन संग बाय हर, यही इसका जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लाया और नॉट का यूज़ किया है इसमें. तो अब इसका सेंटेंस इस तरह आएगा, ए सॉन्ग हैज़ नॉट बीन संग बाय हर. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने नेगेटिव सेंटेंस आपको पता ही होगा, इसमें नॉट का यूज़, बाकी तो रूल सेम ही है. अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स सवालिया, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सवालिया. तो इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही हैज़ और हैव, इसको हम कहाँ पर ये चेंज नहीं होता है, इसको हम कहाँ पे लाते हैं पैसिव वॉइस में? पहले ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट. उन सेंटेंस में चाहे अफर्मेटिव चाहे नेगेटिव, उसमें हम पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन इसमें है हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लाते हैं. अब देखो, हैज़ प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जब हम पैसिव वॉइस उसका बनाएंगे, हैज़ और हैव प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन, बाकी तो रूल सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है ये इसको हम पहले ही लाते हैं. तो उसके बाद बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो तो सेम ही है, उससे पहले भी अफर्मेटिव सेंटेंस चाहे नेगेटिव, उनमें भी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है. तो उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट. आप देखो एग्जांपल उसकी, हैव यू किल्ड, हैव यू किल्ड द स्नेक, क्या आपने किसको मारा है? स्नेक को. हैव यू किल्ड द स्नेक, पहले ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द, फिर ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस क्या बन गया? हैज़ हैव यू, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द ये है, इसके साथ हैव लग गया यहाँ पे, लेकिन अब इसको ऑब्जेक्ट को हमने किसकी जगह लाया? पैसिव वॉइस की जगह. हैज़ द स्नेक, स्नेक तो एक ही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाया. बीन किल्ड बाय यू, हैज़ द स्नेक बीन किल्ड बाय यू, तो इसका पैसिव बन गया. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अब इसका थोड़ा सा ऐड करूँगी, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स यहाँ पे हम डब्ल्यू एच फैमिली से कोई भी वर्ड इस्तेमाल, डब्ल्यू एच फैमिली, वाई, व्हाट, विच, हुम, आपको मैंने बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, डब्ल्यू एच फैमिली, जो भी वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा. तो अगर हम इंट्रोगेटिव, ये भी सवाल ही होता है, लेकिन क्यों आपने इसको मारा? वाई, वाई है. आप देखो ये सेंटेंस जो है यहाँ पे एक्टिव वॉइस में, हमने इसको डब्ल्यू एच फैमिली से, मतलब वो भी वर्ड जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, वही उन्हीं का यूज़ किया है. आप देखो इसका एक्टिव वॉइस जो बनता है, वाई हैव दे नॉट कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम, क्यों उन्होंने प्रोजेक्ट अपने टाइम पे कम्प्लीट नहीं किया? आप जब इनका पैसिव वॉइस बना, इनका तो रूल जो है वो तो सेम ही है, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा हुआ, इसमें हमने वो वर्ड यूज़ किया है जो डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग करता हो. तो डब्ल्यू एच फैमिली मैंने बार बार आपको रिपीट किया है, वो वर्ड्स जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं. अब देखो पैसिव वॉइस इसका किस तरह बन गया. वाई हैज़, इसको हम बाद में नहीं लाते हैं, जिस तरह हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, जिस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो था एक्टिव वॉइस में, इसको सब्जेक्ट की जगह लाया है, लेकिन इसमें पहले हम यही डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं. आप देखो वाई हैज़ द प्रोजेक्ट नॉट बीन, बाकी जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है. वाई हैज़ द प्रोजेक्ट नॉट बीन कम्प्लीटेड बाई दे, का जो कन्वर्ट किया है देम में, बाई देम इन
टाइम. ये थी वो एग्जाम्पल जो हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आता है. तो आज जो हमने ये कंप्लीट किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि उनके सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरह बन जाता है. सो थैंक्स.